इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। सड़क हादसे के बाद आपने क्षेत्रीय पुलिस को यातायात व्यवस्था सुचारू करवाने, घायलों को अस्पताल पहुंचाने और हादसा करने वाले को थाने ले जाते देखा होगा, लेकिन कभी भी मौके पर ही तोड़ बट्टा करने की कहानी नहीं सुनी होगी। हम भी हैरान हो गए जब शहर के थाने को ऐसा एक किस्सा करते हुए हमने सुना। आश्चर्यचकित करने वाली एक कहानी है शहर के सवीना थाना क्षेत्र की, जहां कुछ दिनों पहले एक ट्रेलर की चपेट में आने से आवारा श्वान घायल हो गया और तोड़ बट्टे के खेल ने जन्म ले लिया। थाने की एक महिला पुलिसकर्मी पर 5,000 मांगने और 2,000 में तोड़ बट्टा करने का संगीन आरोप लगाया गया है। इलाके के समाज सेवी राकेश सुहालका ने, जो इस पूरे घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी भी है, आइए पहले इन्हें सुन लेते हैं। मैं राकेश सुहालका, निवासी गोकुलला जारकेपुरम। अभी 10-15 दिन पहले मैं क्या है कि काम निपटा के घर की तरफ जा रहा था, तो गिरजावास पेट्रोल पंप के पास सवीना थाने की एक गाड़ी खड़ी थी, तो वहाँ पर मैं देख के रुका कि यार थाने की गाड़ी खड़ी है और एक ट्रेलर वाला दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो मैं देख के रुका क्योंकि मेरा अक्सर करके आना जाना रहता है और प्रशासन में हमेशा सहयोग रहता है मेरा कि भाई कोई भी काम हो तो मैं जाता हूँ। अब मैं वहाँ देखता हूँ कि भाई किस चीज़ का झगड़ा चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद जाऊँ मैं तो मैं वहाँ देखा मैंने कि भाई अपने पुलिस के जो थे वो और ट्रेलर वाला दोनों आपस में झगड़ रहे थे। तो झगड़ा इस बात का चल रहा था कि भाई एक जो श्वान था, अपने बड़ा सा टाइप कुत्ता था काले कलर का, वो उस ट्रक के नीचे आ गया था। तो मैंने भी उनको अप्रिशिएट किया कि अरे यार वेरी गुड, कितना अच्छा काम हो रहा है कि कम से कम एक जीव हत्या की जान बचाई जा रही है। तो मैं भी रुका आधे घंटे तक, मेरे सामने एनिमल एड को फ़ोन करा, मैंने भी करा, उन्होंने भी करा, और एनिमल एड की गाड़ी आई। उसको एनिमल एड वालों को तो मैं बड़ा ही सम्मानजनक वो कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से वो वहाँ से लेके गए, मतलब वो बड़े ही अपने में, अपने मेरे घर पे भी स्वयं के घर पे हैं, लेकिन मैं भी इतना ध्यान नहीं रखता हूँ जितना ध्यान उन्होंने रख के वो लेके गए। फिर 5 मिनट बाद वहाँ का पूरा मामला चेंज हो जाता है और मैं देखता हूँ तो मतलब मेरे आँखों में आंसू आने लग गए कि एक सरला मैडम नाम की कोई हेड मैडम थे वो, तो वो उस कुत्ते का तोड़ बट्टा करने लग गए। तो मैंने कहा मैडम, मैं मेरे मन मन में ही सोचने लग गया भाई हो क्या रहा है। तो मेरे सामने उस ट्रक वाले से 5,000 रुपये मांगे गए, तो 5,000 रुपये की जगह फिर 2,000 रुपये लेके मैडम ने अपनी जेब में रख कर और वहाँ से चल दिए। तो उस समय मेरी जो आत्मा को थी वो बड़ी खतरनाक ठेस पहुँची थी कि भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा जब जीवों के साथ ये हो रहा था, हम इंसानों के साथ क्या होगा। तो प्रशासन से मेरी मांग है, मैं सभी बड़े अफसरों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस टाइप का रवैया अगर कहीं महकमे में कुछ भी है तो उस सिस्टम को प्लीज़ आप सही करें। वैसे प्रशासन बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अफसर बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये इस टाइप का काम हमारे उदयपुर में ना। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था घटना के दौरान मौके पर मौजूद समाजसेवी राकेश सुहालका का। आपको बता दें कि सुहालका की सूचना पर ब्लैक स्वान को एनिमल एड सोसाइटी की टीम तुरंत इलाज के लिए बड़ी स्थित हॉस्पिटल ले गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ये घटना करीब 15 दिन पुरानी बताई जा रही है, जब गिरजाव्यास पेट्रोल पंप के पास भवन निर्माण सामग्री बेचने वाले ने रेती का एक ट्रेलर मंगवाया। जैसे ही रेत का ट्रेलर गोडाउन में पहुंचा तो वहां से गुजर रहे एक आवारा श्वान ट्रेलर की चपेट में आने से उस घायल हो गया। इस दौरान वहां पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई। भीड़ को देखते हुए वहां से गुजर रहा सवीना थाना पुलिस का जाप्ता भी रुक गया। चालक का आरोप है कि सवीना थाना में तैनात महिला कांस्टेबल सरला ने ट्रेलर चालक से रेती के ओवरलोडिंग का मामला दर्ज करने की धमकी देते हुए 5,000 की मांग की, जिसके बाद मामला 2,000 रुपये देकर निपटा गया। दादा रुपया कितना मीठा दो जाए फोन ले गया मैडम।
तो देखा आपने किस तरह एक आवारा श्वान की इलाज के दौरान मौत हो गई और उसी के नाम से महिला पुलिसकर्मी पर तोड़ बट्टा कर 2000 रुपए की वसूली के आरोप लगे। इस पूरे मामले में जब उदयपुर न्यूज ने महिला कांस्टेबल सरला से बात करनी चाही तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना करते हुए अपने पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया। वहीं थाने पर शिकायत लेकर पहुंचे समाजसेवी राकेश सुहालका से थानाधिकारी ने कहा कि आरोप सिद्ध होते हैं तो कार्रवाई जरूर होगी। मुझे यहाँ पे रेलिंग का और गेट का काम करवाना था तो काफी समय से परेशान था कि अच्छी सर्विस कहीं प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, बिफोर यू करके एक एप्लीकेशन है, पे मैंने रिक्वेस्ट डाली, रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट करी। उन्होंने कॉल किया कि सर आप क्या काम करवाना है, फिर मैंने उनको बताया कि आयरन स्टील का काम करवाना है। उन्होंने मुझे विद इन 5 घंटे में उन्होंने मुझे सर्विस प्रोवाइड करवाई और बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करी उन्होंने और आज मेरा काम यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा काम किया है। आपको इलेक्ट्रिशियन ढूंढना पड़ता है, प्लम्बर ढूंढना पड़ता है, जो जो तो 5-5 दिन उनको टाइम नहीं होता है। आपको वो 5 घंटे या ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 8 घंटे में आपका काम कंप्लीट हो गया और आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि सर की प्रॉब्लम कैसे ही थोड़ी देर में सॉल्व हो गई। आज मैं आपको एक कंपनी से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जिसका नाम है V4U। आयरन एंड स्टील वर्कर्स के साथ साथ कंपनी प्लम्बर, पेंटर्स, कारपेंटर्स, लेबर्स, इलेक्ट्रिशियन प्रोवाइड कराती है। कुछ ऐसे ही सर्विसेज कंपनी में फ्यूचर में और एड ऑन आने वाली है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जाइए www.v4u.in या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए V4U ऐप नाउ।